देर के बाद आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली लोग कैसे मारते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मोटो ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो गाइस अभी मैं आया हूँ डील 89, तो दिखाते हैं आपको डील 89 में क्या सीन है, कैसा दिखता है और लोग क्यों इतना यहाँ पे मतलब एनी टाइम भीड़ रहता है। तो चलो देखते हैं। तो गाइस आप देख ही रहे हो, ग्रीनरी तो बहुत शानदार है। अभी तो थोड़ा सीजन बरसात का सीजन होता है और हरियाली दिखता है और दोस्त लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं साथ में हैं, ठीक है। तो ये सीन रहता है और दिखाते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो थोड़ा दोस्त लोग के करीब से भी जाएंगे तो देखेंगे तो क्या सीन रहता है। तो अभी पूरा राउंड मारेंगे एक राउंड, तो देख ही रहे होंगे अभी घास वहाँ थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, बट रेनी टाइम में तो यहाँ पूरा अच्छा खासा हरियाली दिखता है और जो फोटो शूट करने में ना भाई अलग ही मज़ा आता है। फ़ोटो शूट करने जाओगे मज़ा ही आ जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, ठीक है भाई प्लस यहाँ आपको घर बैठे सब कटा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो मेरा दोस्त दोनों आप देखेंगे इधर एक साइड में है, कॉल में बात हो रही है, फोटो खिंचा रहे हैं, आप देख रहे होंगे वो सीन है। कोई सिटी मार रहा है तो ये सीन है। लेकिन बस लोग क्या पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मेरा टाइम दोनों भी मजे में ब्लॉग बना ही रहे तो उधर देखकर चलते हैं। तो आप सामने देख ही रहे होंगे इतना फोटो शूट कर रहे हैं, फोटो शूट करने में दीजिए यही दोनों हैं। करते ही रहते हैं तो सीन है। तो वो लौंडे लोग हैं अपना वीडियो भी है कर रहे हैं पार्टी वार्टी, अलग ही लेवल का मज़ा है। एनी टाइम भीड़ रहता ही है, प्लस अगर आपके पास गर्लफ्रेंड हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे, मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो आप, बातें खूब सारी बातें आराम से बैठ के काम में कर सकते हो उसके हैं। तो ये चीज़ है। तो यार थोड़ा ये बहुत गलत लगता है कि लोग पार्टी वार्टी का नस्बत कचरा यहाँ फेंक देते हैं, वो ख़राब चीज़ है। और आप देख रहे हैं सनसेट होने वाला है तो ऐसा व्यू है अभी, लेकिन मस्त व्यू लगता है यार फोटो शूट करने के लिए, खासकर इन सीजन में ना हरियाली रहेगा अच्छा खासा फोटो आएगा। तो मेन चीज़ है एक खुला स्पेस है और मस्त है, मतलब अच्छा लगता है पेड़ के बीच में बैठ के बातें करना, बियर पीना, प्लस जो भी कुछ ड्रिंक करना है अच्छा लगता है। तो बहुत बड़ा इलाका है और सामने तो मैदान ही है, आप देख ही रहेंगे थोड़ा चला के दिखाते हैं अंदर। ये सीन है, देख रहे हो कितना हरियाली है। ये है रांची का डील 89, फिर से बता दे रहे हैं। अगर आप रांची में नए हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करना, क्योंकि पॉपुलर प्लेस है रांची का, खासकर गर्ल्स बॉयज़ के लिए और मतलब सबके लिए है जो टाइम स्पेंड करना चाहता है क्वालिटी टाइम, तो यहाँ आके कर सकता है, खाना पीना जो भी कुछ करना है वो चीज़ है, बस बहुत कुछ कर ही सकता है। तो सब व्यू है, मज़ा आ जाता है।
पे स्टंट मारते ही हैं लड़के लोग, 360 मारते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। और ये सीन है खासकर बॉयज़ को अपना बियर लेके आते हैं, आप पीते हैं और मज़े करके, खासकर बॉयज़ बॉयज़ ही आते हैं, मतलब 100 में से 10-20 वैसे ही होंगे जो कपल्स के साथ आते हैं, बाकी बॉयज़ एक देखा भी हैं कि गर्ल्स भी हैं जो अपने फ्रेंड सहेली के साथ आते हैं एक्टिवा में। और ये खुला कोई तो सामने देख रहे हमारे घाटा हो गया है वो सीन है, और ये बॉयज लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं। ये है डे 18 है रांची का, जो कि काफ़ी फेमस है अपने रांची में, अगर यहाँ नहीं आए हो तो रांची में कोई फ़ायदा नहीं, मस्त विजिट प्लेस है ये, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आए, ट्राई इंजॉय करें और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी यहाँ आके, ऐसे लगे चलो है कोई लोकेशन जहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है। और ये भी देख ही रहे हो कि बैठे हैं लोग, सोच रहे हैं कि बंदा क्या कह रहा है, बट कोई ना गाइस देखते हैं लोग ने गियर जो भी लाना है आके यहाँ पे मस्त पी सकते हैं। राइडर लोग की कमी नहीं है रांची में, रांची में अब ऐसा ही शहर हो गया ना, एक से एक राइडर्स मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगे, हैवी ड्राइवर्स मिलेंगे, ऐसा राइडर्स मिलेंगे, क्या क्या राइडर्स नहीं है रांची में, तो ये एक अच्छी बात है। जितने लोग अब खाना हो गए हैं और अपना रांची का वाईफाई होने जा रहे हैं, थोड़ा देर के बाद आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली लोग कैसे मारते हैं, दिल्ली भी करता है रहते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हम लोग सब्सक्राइब टू माय चैनल।